बीवीजी कंपनी के भुगतान में कमीशन को लेकर जारी वीडियो में संघ प्रचारक निंबाराम का नाम आने पर संघ ने आरोपों का खंडन किया है। संघ के राजस्थान क्षेत्र कार्यवाहक हनुमान सिंह राठौर ने सभी आरोपों को गलत करार दिया है और कहा है कि वीडियो को जोड़ तोड़ कर बनाया गया है जो कि तथ्यों से परे है। राठौर ने कहा कि बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि निंबाराम से मिले जरूर थे, लेकिन वो उदयपुर के प्रताप गौरव केंद्र में सीएसआर फंड में सहयोग का प्रस्ताव लेकर आए थे, जिस पर निंबाराम ने सेंटर का अवलोकन करने की बात कही थी, लेकिन दौरा नहीं होने पर कोई फंड नहीं दिया गया। ऐसे में निंबाराम हर तरह की जांच में सहयोग करने को तैयार है। हमारा निवेदन है कि बीवीजी इंडिया लिमिटेड कंपनी के प्रतिनिधि श्री निंबाराम जी के पास प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर में अपने सीएसआर फंड द्वारा सहयोग करने का प्रस्ताव लेकर आए थे। श्री निंबाराम जी ने उनसे आग्रह किया था कि वे इस केंद्र का स्वयं दौरा करें और वहां की आवश्यकताओं को समझकर यदि उचित लगे तो इसमें सहयोग देने का तय करें। प्रताप गौरव केंद्र एक राष्ट्रीय तीर्थ है, इसका महत्व इसे देखने पर ही ध्यान में आता है कि देश का गौरव बढ़ाने के लिए कितनी बड़ी परियोजना पर समाज बंधुओं के सहयोग से काम कर रहे हैं। आप पत्रकारों व मीडिया कर्मियों से भी आग्रह है कि स्वयं जाकर इस केंद्र का अवलोकन करें। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरुका इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, अगर देखें तो जब से वीडियो आया है तब से ही राजनीति है वो गर्मा गई है, लेकिन अब यहाँ पर आरएसएस की तरफ से, संघ की तरफ से साफ कह दिया गया है कि इस वीडियो को जोड़ तोड़कर बनाया गया है। देखिए अमित, पिछले दिनों जब नगर निगम में बीवीजी कंपनी के भुगतान को लेकर एक कथित लेनदेन का वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो में निलंबित मेयर सौम्य गुर्जर के साथ आरएसएस के जो क्षेत्रीय प्रचारक है निमारम वो भी नजर आ रहे थे और इस वीडियो के आधार पर एसीबी ने मामला दर्ज किया था और उसमें जो निमाराम है आरएसएस के प्रचारक उनको भी आरोपी बनाया गया था। जब से उनको आरोपी बनाया गया उसको लेकर पूरे प्रदेश में सियासत गर्मा गई। बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस सरकार पर मुखर है और लगातार बयानबाजी का दौर जारी, लेकिन इस पूरे मामले में अब तक संघ की तरफ से कोई बयान नहीं आया था और आज आरएसएस की ओर से बयान आया और तमाम आरोपों को खंडन किया गया है। आरएसएस की ओर से संघ के जो राजस्थान के क्षेत्र कार्यवाहक हनुमान सिंह राठौर, उन्होंने एक बयान जारी किया है और उन्होंने इस पर पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दिया है। इन पूरे मामलों को जो आरोप है इनको राजनीति द्वेषता का और राजनीतिक द्वारा और दुर्भावना से आरोप लगाए जाने का बात कही है। उन्होंने कहा है कि बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि से निंबाराम मिले थे और प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर में जो सियासर के फंड सहयोग का मामला था उसको लेकर बीवीजी कंपनी प्रस्ताव लेकर आई थी और एक शिष्टाचार मुलाकात हुई थी। और वीडियो की जहां तक बात है, उस वीडियो में हनुमान सिंह ने कहा कि जोड़ तोड़ कर बनाया गया है, तथ्यों से भी तो सनसनी फैलाने के लिए कोशिश की गई है। संघ पूरे आरोपों का खंडन करता है और रही बात एसीबी के मामले की तो वो कानून को मानने वाले आदमी है और पूरी तरह से हर प्रकार की जांच में वो सहयोग करेंगे। तो पहली बार ये पूरा मामला सामने आया है और दूसरी तरफ उन्होंने इस पूरे आरोपों का खंडन भी किया है, साथ ही राजनीतिक निहित स्वार्थों के साथ एक राजनीतिक दुर्भावना का आरोप यहाँ पर लगाया कि जानबूझकर उनकी छवि को यहाँ पर खराब करने की कोशिश की गई। आरएसएस के जो विरोधी लोग हैं जो आरएसएस की छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करना चाहते हैं वो इन लोगों की प्रकार की साजिश उन्होंने करार दी। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका पिंटू। तो हमारे संवाददाता पिंटू सिंह जी हमें जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर संघ की तरफ से ये बयान सामने आया है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि इस वीडियो को जोड़ तोड़ कर बनाया गया है।